तो इस शीट में एक क्वेश्चन है कि पहला कैपेसिटर चार्ज्ड है, ये अनचार्ज्ड है, जैसे मैं स्विच दबाऊंगा क्या ये कॉमन पोटेंशियल अटेन करेंगे कि नहीं करेंगे, येस कि नो? जब मैंने ज्वाइन कर दूंगा तो क्या ये कॉमन पोटेंशियल अटेन करेंगे, हाँ या ना? जब दो एक चार्ज और अनचार्ज कैपेसिटर जुड़ते हैं तो क्या वो कॉमन पोटेंशियल अटेन करते हैं? वो करते हैं, पर क्या ये करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ज्वाइन ही प्रॉपर नहीं किया, हवा में तो तार लटक रही है। तो पहले पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव, जब कॉमन पोटेंशियल ही नहीं करेंगे तो चार्ज कहाँ से शेयर करेंगे, होएगा ही नहीं। एक एंड तो ओपन पड़ा है इसका, तो कोई नहीं चार्ज होने वाला, सेकेंड कैपेसिटर अनचार्ज रहेगा। तुम ठीक तरह चार्जिंग के तारे तो लगा दो तभी वो बेचारा चार्ज होगा, नहीं तो कैसे चार्ज शेयर करेगा? तो ऐसे उड़ के चार्ज नहीं जाएगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसलिए जब तक ये आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे चार्ज शेयर नहीं होगा, तो कोई चार्ज नहीं आएगा उस पर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। वो कहता देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें ना इतने पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, इतने में नहीं डाला, तो इसकी कैपेसिटी C1 होगी, इसकी C2 होगी। तो इस पे चार्ज कहता Q1 आ गया, इस पे चार्ज Q2 आ गया, इसका एरिया A/3 है, इसका 2A/3 है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। आपको बताना है कि इसके अंदर जब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया और ये चार्जेस आए, इलेक्ट्रिक फील्ड आए, सब कुछ आया, तो आपको तीन क्वेश्चन का आंसर देना है। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा ऊपर के कैपेसिटर और नीचे के कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस की रेशियो क्या होगी टोटल कैपेसिटेंस और ऊपर के कैपेसिटेंस की, और चार्ज की रेशियो क्या होगी ऊपर के कैपेसिटर और नीचे के कैपेसिटर की। सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करने वाले हैं तो V की वैल्यू, यहाँ पे V है, यहाँ 0 है, 0 0, यहाँ पर भी V और 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले कैपेसिटर में V रहेगा, नीचे वाले में भी V ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल में V की वैल्यू रिमेंस सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस V और V रहेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस अगर V रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है dV/dr, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। जब दोनों कैपेसिटर में V सेम रहेगा, डिस्टेंस भी सेम रहेगा, तो यानी कि E की वैल्यू भी सेम रहेगी, कुछ चेंज नहीं होने वाला, तो रेशियो E1 E2 की क्या रहेगी, 1। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर में सेम है, कि बैटरी दोनों को सेम तरीके से ज्वाइन किया हुआ है, तो V सेम है, तो E सेम है, E सेम है, तो आंसर 1। अच्छा, पहले का कैपेसिटेंस क्या होगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A/T, दूसरे का K नहीं आएगा, एप्सिलॉन नॉट 2A/3 × D। दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं, दोनों को ऐड कर दो, टोटल कैपेसिटी आ गई। तो अगला क्वेश्चन क्या है, C/C1 निकाल लो, C ये रहा, C1 ये रहा, इन दोनों को डिवाइड करके C और C1 की रेशियो आ जाएगी, एक और आंसर आएगा, क्योंकि आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल चुके हैं, अब C1 निकाल चुके हैं, अब दोनों को डिवाइड करते हैं, आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन निकालना है चार्ज का रेशियो, पहले कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा C1 × V, दूसरे का चार्ज क्या होगा C2 × V, V तो सेम ही है, तो C1/C2 ही चार्ज की रेशियो है, क्योंकि हम C1 C2 निकाल चुके हैं, इन्हें डिवाइड करके C1 C2 की रेशियो आएगी, Q1 Q2 की रेशियो आएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं? तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, हटा दी, इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत आती है। ठीक, ये मेंस की प्रीवियस में मिल जाएगा आपको, ये एक्स्ट्रा जो हमने करना है। ये लो देखो, ये क्वेश्चन 2 बार मेंस में आया हुआ है, आपको क्या यार, मतलब डालने वाले में मैं तो हैरान हूं कि ये क्वेश्चन कोई डाल कैसे सकता है, राइट? कैसे करोगे इसे यार, शक्ल देखी है इसकी, ठीक है, मतलब सही, सीरियसली देखो तो सही यार, कहाँ जा रहा है, 2 बार आया है मेंस में, तो अब की बार तो मैं फॉर्मूला याद करवाऊंगा सीधा, ये कौन करेगा इसे, हम फॉर्मूला लिखेंगे इसका। लेकिन फॉर्मूले से पहले बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है,
नॉर्मली डाइलेक्ट्रिक या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डाले जाते हैं, ये डायगोनल में डाल रहा है। कह रहे डाइलेक्ट्रिक ऊपर के टू डाल दिया, नीचे के वन डाल दिया, और डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स क्या है, डी। कह रहे इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल दो। और देखो तो ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें पूरा कैपेसिटर बन ही नहीं रहा, डायगोनल कट रहा है, समझ ही नहीं आएगी। इसकी ज्योमेट्री देखो, इसमें जो इसकी छत है ये पूरी दिखाई हुई है कि लेंथ एल है, थिकनेस बी है, पीछे थिकनेस बी है, और ये पूरा डाइलेक्ट्रिक है, ऊपर वाला के टू है, नीचे वाला के वन है। तो आप एक काम करो, एक्स डिस्टेंस पे एक पोर्शन लो और सच दैट ये कैपेसिटर डी सी टू है, ये कैपेसिटर डी सी वन है, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं, एक के नीचे एक। तो अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दूं, फिर अगले का निकाल दूं, फिर अगले का इंटीग्रेट करके टोटल आंसर आएगा। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं, डी सी वन डी सी टू को, इस लाइन को ज्वाइन कर लिया, ये एंगल थीटा ले लिया, ये एक्स है तो ये एक्स टैन थीटा बनेगा, तो बचा हुआ डिस्टेंस डी माइनस एक्स टैन थीटा बनेगा। तो डी सी वन की वैल्यू क्या बनेगी, डी सी वन की वैल्यू बनेगी के वन एप्सिलॉन नॉट एरिया, इस छोटी सी प्लेट की थिकनेस डी एक्स है, थिकनेस बी है, तो एरिया क्या बनेगा, बी इंटू डी एक्स। तो ऊपर से बी इंटू डी एक्स और डिस्टेंस की जगह एक्स टैन थीटा, फिर डी सी टू निकाला, के टू, ये रहा के टू, एप्सिलॉन नॉट एरिया, फिर बी डी एक्स है, लेकिन डिस्टेंस दो प्लेट्स के बीच में डी माइनस एक्स टैन थीटा। मतलब सोचो, पहले आप ये फिगर सोचें, फिर आप डी सी वन डी सी टू लिखें, फिर आप ये कहें कि ये डी सी वन डी सी टू किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, इनमें पुट करें, पुट करके ये निकालें, फिर टोटल कैपेसिटी के लिए जीरो से एल इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करके फिर आप कहें कि मेरा आंसर आ गया और मेरा पेपर बढ़िया हो गया। ये आंसर है भाई, केमिस्ट्री के दो और कर लेना, ठीक है। इसका फॉर्मूला नोट कर लो, इसका फॉर्मूला फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो, कोई इतना इसको करने की जरूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला, ये एप्सिलॉन नॉट है प्लीज, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये लो। तो आज के बाद ये ऑब्जेक्टिव दिखे तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, या ये वैल्यू सीधा मार्क करने को आएगी, बात ही ख़त्म, कोई प्रूफ नहीं करना। और अगर मान लो जी एक मिनट के लिए कोई कहता भी है कि मैं करके देख लूँ या रिकमेंडेड नहीं, तुम कोई और दो क्वेश्चन कर लेना पेपर में, छोड़ दो, करना ही नहीं है, क्यों अपना टाइम खराब करना, करना ही नहीं है मैं कह रहा हूँ। या तो फॉर्मूला मार्क कर देंगे या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ यार, सही कह रहा हूँ, ऐसे करना चाहिए यार, पेपर ऊपर छूट जाएगा आपका नहीं तो, ठीक। एक ऑब्जेक्टिव शीट कर रहे थे 17th, हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 3 से करना है। ये भी शीट का लेवल ठीक ठाक है यार, ये भी आसान नहीं है, आज का लेक्चर पूरा ही ऐसा है, ठीक है। थर्ड सर, इसके अंदर तरीका बताता हूँ,
एयर कैपेसिटर है, ध्यान देख लो, बस तीन चार क्वेश्चन करने हैं। एयर का कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट्स हैं ए एंड बी। ए को हमने चार्ज दे दिया क्यू और बी को चार्ज कितना दे दिया थ्री क्यू। क्वेश्चन है, एक इमेजिनरी मीडियन है, मीडियन का मतलब मिड पॉइंट है पी, तो इस मिड पॉइंट, हवा में मिड पॉइंट है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है पी वी पी माइनस वी ए क्या होगा, और सी नॉट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। अब पॉइंट नंबर वन, आप ये क्वेश्चन तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको कैपेसिटर के अंदर के चार्जेस की नॉलेज ना हो, क्योंकि वो अनइक्वल चार्जेस है ना। तो हमने एक रूल सीखा था कि आप मान लो ये माइनस एक्स है, ये एक्स है, तो ये थ्री क्यू माइनस एक्स है, ये क्यू प्लस एक्स है, यहाँ के चार्जेस भी इक्वल होते हैं, इन्हें इक्वेट करके पहले एक्स निकाल लो, एक्स को यहाँ और यहाँ पुट कर लो, तो आपके पास ये रेशियो आएगी माइनस क्यू प्लस क्यू, फिर ये माइनस क्यू और यहाँ एक्स की जगह क्यू पुट करेंगे तो टू क्यू, यहाँ पुट करेंगे तो टू क्यू, ये फाइनल डायग्राम बन जाएगा। तो आपने इस कैपेसिटर के अंदर के चार्जेस निकाल लिए, तो पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि लेफ्ट है, तो पी पॉइंट का पोटेंशियल इज ग्रेटर देन ए पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जब हम जाते हैं पोटेंशियल गिरता है। तो वी पी माइनस वी ए निकालना है, वी पी माइनस अगर वी ए निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रीजन में अगर ई है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है डी बाई टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस डी बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ये स्टेप क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, अंदर की प्लेट्स का चार्ज बाय एरिया। ई की वैल्यू निकाल लो, यहां पुट कर दो, डी नीचे ले आओ, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी कैपेसिटेंस होती है, आंसर मार्क कर दो। तो आइडिया समझ में आ रहा है कैसे किया इसमें। तो इसके अंदर पहले अंदर के चार्जेस निकाल लिए, अंदर के चार्जेस निकाल के वी पी माइनस वी ए इज ई इंटू डी बाई टू कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से निकाल के पुट करके आंसर आ गया। तो आइडिया क्लियर है कि कैसे सोचा इसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका ट्रिक आपको बता रखा है कि अगर कोई भी अर्थिंग हो रखी है 0-0 वोल्ट पे, तो आप प्लीज़ इन्हें ज्वाइन कर लें। जब आप इन्हें नीचे से ज्वाइन करेंगे तो 2 और 2 किस में आ जाएंगे, सीरीज में, तो 2 और 2 सीरीज में, तो आंसर क्या आएगा 1। अब क्योंकि आपको पोटेंशियल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी में निकालनी है, मैंने बताया भी था ए और बी में आप एक लाइन खींच लिया करो, कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये तीनों के तीनों किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, तो आंसर पैरेलल, ठीक है। यहाँ तक ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, मेन पॉइंट यही था कि ये सीरीज है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 10 माइक्रो फेरेड है, इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट। वो कह रहे हैं जी एक 10 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर, उसको 50 से चार्ज करके टोटल चार्ज क्या आ गया 500। तो एक प्लेट पे 500 चार्ज है, एक प्लेट पे -500 चार्ज है, ये फैसला हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं बैटरी को तो उठा के बाहर फेंक दिया, चार्ज इसके ऊपर लगा हुआ है 500 -500, तो एडिशनल चार्ज 200 माइक्रो कूलम इज गिवन टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। जो पॉजिटिव प्लेट है इसको 200 एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया, तो 500 प्लस 200 क्या हो गया 700, और -500 फिर डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, चार्ज अनइक्वल हो गए। तो अब मान लो यहाँ पर क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, तो 700 माइनस क्यू -500 प्लस क्यू, यहाँ और यहाँ का चार्ज इक्वेट करें, क्यू निकाल लें, तो अब आपको अंदर का चार्ज पता लग गया। वो पूछ रहा है अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा नया, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नया चार्ज क्यू अपॉन कैपेसिटी, आंसर कैपेसिटी तो पता ही था आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो पहले 500 चार्ज था, 500 -500 700 -500 करने को बोल दिया उसने, चार्ज निकाल लिया आपने, चार्ज 600 आ गया अंदर, 600 को सी से डिवाइड किया तो नया वी की वैल्यू आ गई, ये क्वेश्चन हो गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या, जब भी देखो अनइक्वल चार्ज है कैपेसिटर पे, एक्स और माइनस एक्स वाला कॉन्सेप्ट तो उसमें लगेगा ही लगेगा। ये क्वेश्चन फिर भी ठीक है, 190 वोल्ट है, इसके ऊपर आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये क्वेश्चन है ए और बी के बीच में। तो रूल नंबर वन, ये दोनों किस में कनेक्टेड है पहले, इन सीरीज, तो 3C/4 आएगा, 3C/4 और 3C किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, 15C/4 आएगा।
190 वोल्ट को डिवाइड करना है सी और 15 सी बाई फोर में, तो मान लो वी वन वी टू आएगा। हमने किया था सीरीज के अंदर जो पोटेंशियल की रेशियो होती है कैपेसिटेंस की रेशियो के उल्टी होती है, तो वी वन इज टू वी टू क्या होगा, सी टू इज टू सी वन, तो वी वन इज टू वी टू इज 15 बाई 4 हो जाएगा। किया था हमने ये, वोल्टेज की रेशियो कैपेसिटेंस की रेशियो की उल्टी होती है कैपेसिटेंस सीरीज में। अब टोटल 190 है, अपने को वी टू निकालना है, वी टू क्या आएगा 4 अपॉन 4 प्लस 15 इंटू 190 40 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 40, पर ये बना किसका हुआ है, इन दोनों का कनेक्टेड इन पैरेलल, तो दोनों में क्या आएगा 40 एंड 40। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो 40 वोल्ट है ये बना हुआ है इन दोनों का कनेक्टेड इन सीरीज, तो अपने को इस 40 वोल्ट को डिवाइड करना है इन दोनों में कैसे करना है। तो ये डायग्राम सी और 3C का मैंने एंड में अलग बना लिया। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 40 है, मान लिया फिर से V1 V2 है, V1 V2 की रेशियो C2 C1 में डिवाइड हो जाएगी, V2 की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 40 करके 10 वोल्ट आएगा। तो 3C के ऊपर 10 वोल्ट है, यही तो निकालना है, 3C के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 वोल्ट आंसर आ गया। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे हम नॉर्मल चार्ज का और वी का करते आए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करना है। जैसे ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हमने किया हुआ है, ये तीनों किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, ये तो हो जाएगा। और देखो शॉर्ट सर्किटिंग, तो ये कैपेसिटर उड़ गए, शॉर्ट सर्किट कर रखा है, तो नेट आंसर क्या आएगा, ये तीनों पैरेलल में, लेकिन इसके साथ किस में आएगा, इन सीरीज में, ये तो हट गया, तो ये कैपेसिटर इसके साथ किस में हो जाएगा, एंड में, इन सीरीज में। तो आइडिया समझ में आ रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी इसमें, ये नहीं करेंगे, शेल्स नहीं करेंगे, और आखिरी दो क्वेश्चन फिर क्लोज करेंगे। ये आपके सामने दो कैपेसिटर्स हैं, डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है, बैटरी कनेक्टेड है। वो कह रहा है कि जब डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है तो इन दोनों पे चार्ज Q1 Q2 है। देखो ये बोलने की जरूरत इसको थी नहीं, क्योंकि सीरीज के अंदर चार्ज क्या रहता है, सेम, तो Q1 Q2 तो बराबर ही है। फिर वो कहते हैं कि मैंने डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दिया, अब बोलो इनमें चार्ज क्या है, और अब चार्ज और पुराने चार्ज की रेशियो निकाल लो। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि अभी इनके ऊपर चार्ज है कितना, तो इसके लिए आप डायग्राम ये बनाएंगे, एक कैपेसिटेंस सी है तो एक के इनटू सी है, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, सीरीज में ये आएगी, फिर इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बैटरी के वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे ई से, ये चार्ज आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को वी से मल्टीप्लाई करके चार्ज आ गया, तो पहला स्टेप क्लियर है। दूसरे केस में डाइलेक्ट्रिक हटा दिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी और सी सी टू सी बाई टू होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बैटरी से मल्टीप्लाई किया तो नया चार्ज आ गया, चार्ज सीरीज में सेम रहता है। अब नया चार्ज आ गया, पुराना चार्ज आ गया, नए और पुराने की रेशियो निकालनी है, इन्हें डिवाइड कर लेना रेशियो आगे। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है इसे। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर एक Q1 Q2 Q3 Q4 चार्जेस गिवन है, क्योंकि ये एक कैपेसिटर है, तो इसके अंदर Q2 और Q3 में क्या होगा, Q2 इज माइनस Q3, देखते ही पता लग रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है प्लेट्स में क्या होगा, ये ऑप्शन है, कैपेसिटेंस कैपेसिटर की सी है, मेरे को ये पता है कि अंदर का चार्ज अगर Q2 है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Q2 अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय सी, Q2 बाय सी पोटेंशियल डिफरेंस, पर ऐसा ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा, मुझे डिनोमिनेटर में हर जगह 2C नजर आ रहा है, तो मैंने भी इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया। 2Q2 का मतलब Q2 एंड Q2 लिख सकते हैं, लेकिन Q2 यहाँ पर माइनस Q3 है, पुट किया आंसर मार्क कर लो, आंसर आ गया। हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं आप, इसमें Q3 को माइनस Q2 पुट करके देखेंगे यही आंसर आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम की जा सकती है। तो कैपेसिटर की तो कोई लिमिट है ही नहीं, जितना मर्जी कैपेसिटर कर लो, पर मुझे लगता है कि बहुत कैपेसिटर हो गया, बस कैपेसिटर ही कैपेसिटर की पड़ी है 10 दिनों से, इतना एक ही क्वेश्चन आना है तो हमें छोड़ देना चाहिए। अब आप इतना ही रिवाइज कर लोगे तो मोर देन सफिशियंट है विद प्रीवियस ईयर पेपर, चलेगा।